हेलो दोस्तों, मैं सुभाष एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ आपके एग्जाम गढ़ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग परसेंटेज के अंतर्गत न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। आइए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अपना न्यूमेरिकल देखते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं, आपके सामने पहला न्यूमेरिकल है किसी वस्तु की 10% परसेंटेज नामक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत। तो हम देखते हैं आगे, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां 10% तथा 10% की दो क्रमवार मीन्स लगातार, इसे कंटिन्यू कहते हैं इंग्लिश में, क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। दो बार 10% 10% मूल्य की वृद्धि किया जाए या फिर उसको एक ही बार में इकट्ठा कर दिया जाए, उसी इन दोनों के बराबर हो जाए वही बताना है किसके समतुल्य है ये। तो आइए हम इसको बेस से भी समझेंगे, ट्रिक से भी समझेंगे। आइए हम देखते हैं बेस से। जैसे किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया था 100, तो 10% की वृद्धि हुई, तो मीन्स 10% की वृद्धि हुई। आप लोग वैसे भी नॉर्मली जानते हैं कि 100 में 10% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा वो, मीन्स चलो हम निकाल लेते हैं एक बार, 10% की वृद्धि हुई तो इसकी वैल्यू हो गई 110। कहने का मतलब इसका 110% हो गया, ऐसा समझिए। 110% 100 रुपया था, उसमें 10% की वृद्धि हुई, मीन्स उसको 110% करना है हमको। 110% कितना होगा, या फिर ऐसा कहेंगे 10% बढ़ा दिया तो 110/100 कर दिए गुणा डायरेक्ट, या फिर अगर 10/100 करेंगे तो इसका 10% निकलेगा। तो जिसका मान 10 होगा तो 100 था तो 10 और हो जाएगा, 110 हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट 110% निकाल लेंगे, 110 रुपया निकल गया, 100 से 100 कट गया, 110 आ गया। अब दोबारा करा 10% की फिर से वृद्धि किया गया, इस पर अब किया जाएगा, दोबारा किया जाएगा, तो ऐसे फिर हमने 10% की वृद्धि कर दिया, मीन्स इसका भी 110% हम निकाल लेते हैं। तो इसका जब 110% निकालेंगे तो देखते हैं, ये जीरो से ये जीरो कट गया, मीन्स 11 ग्राम में 121 रुपया आ गया। 100 रुपया था, एक बार 10% बढ़ा तो 110 रुपया हो गया उसका मूल, फिर जब दोबारा 10% बढ़ा तो 121 हो गया। इस बार 10 बढ़ा था मगर इस बार 10 नहीं बढ़ेगा, पिछली बार ये 100 के हिसाब से 10 बढ़ा था, अब अगली बार 110 के हिसाब से 10 बढ़ेगा, तो ये 121 हो गया। मीन्स 110 का जो 10% होता है वो 11 होता है, तो इस तरीके से हमारा 121 हो गया। तो इसका मतलब कितना वृद्धि हो गया, 21%। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 100 था, 121 हो गया, तो मीन्स 21% बढ़ गया, वही हमारा आंसर हो गया। ये बेस था, एकदम बेस से हम समझते हुए चले कैसे हुआ। इसको हम लोग ट्रिक से भी पढ़ते हैं कि एक्स गुड़े वाई प्लस माइनस, ऐसे नहीं पढ़ते हैं इसको, ट्रिक ये हमारा गलत हो गया। इसको हम करते हैं एक्स प्लस वाई, गुड़े वाई नहीं, इसको करते हैं ट्रिक हमारा। अब यहाँ से लिख देते हैं पहले हम ट्रिक, ये हमारा ट्रिक हो गया, यहाँ से ट्रिक एक्स प्लस वाई मीन्स ये पहली वृद्धि हो गई, एक्स को मान लेते हैं, वाई को दूसरी वृद्धि मान लेंगे, इसमें तो दोनों सेम ही है मगर जब अलग अलग रहेगा तो इसको एक्स कहेंगे, इसको वाई कहेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई, इसमें भी माइनस लिखते हैं, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। तो यहाँ से ये जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई मीन्स 10 और 10 20, ये हमारा ट्रिक से सॉल्व करें डायरेक्ट, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। तो 10
प्लस 10, क्योंकि इसमें दोनों दोनों वृद्धि हुई है, अगर कटौती होती तो इसके प्लस के स्थान में माइनस कर देते, प्लस माइनस दोनों को वैल्यू दिया है ना, प्लस का यूज होगा प्लस लगाएंगे, माइनस का यूज होगा तो माइनस लगाएंगे, तो दोनों में वृद्धि हुई है तो हम इस दोनों को हम प्लस ही प्लस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, तो 10 + 10 मीन्स 20, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। XY मीन्स 10 × 10 बटे 100, तो ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, करने के बाद पूरा 1 आ गया, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हो गई 21, क्योंकि परसेंटेज में है तो परसेंटेज में लिख देंगे। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 100 से 121 हो गया, मीन्स 21% बढ़ गया। उम्मीद है आपको बेस और ट्रिक दोनों क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगला नंबर के देखते हैं।